Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing very well with good health. I am your science teacher and I welcome you all to the science online class. I would like you all to take out your science books and open page number 3. So in the previous class we have started unit number 1. We have learned about the science that what is science. Now we'll proceed further. ऑब्जर्विंग थिंग ऑब्ज़रविंग थिंग्स क्या है चीज़ों का मुशाहिदा करना ऑब्ज़र्व करना किसी चीज़ को ग़ौर से देखना उसके बारे में गौर वफिक्र करना उस उसके बारे में सोचना कि वो चीज़ है क्या तो साइंस इज़ ऑल अबाउट ऑब्ज़र्वेश्स जो है वो सब ऑब्जर्वेशंस पे मुशाह मुशाह करने पर डिपेंड करता है इट स्टार्ट विद द ऑब्जर्विंग थिंगस अराउंड अस वी ओ ऑब्सर्व एंड लर्न अबाउट प्लान्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन्स साइंस कहाँ से स्टार्ट होती है जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से ही हमारी साइंस स्टार्ट हो जाती है और हम अब हम डेली अपनी लाइफ में कितनी ही चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं अपने अराउंड हम बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं तो साइंस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग हम लोग डिफरेंट प्लांट्स के बारे में ऑब्जर्व करते हैं plants को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या है एनिमल्स को करते हैं ह्यूमंस को करते हैं वी ऑब्ज़र्व एंड लर्न अबाउट द एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जिस तरह आप सोलर uh, एनर्जी देख लें हम लोग सूरज की तरफ देखते हैं सूरज से हमें सिर्फ uh, रोश रोशनी नहीं मिलती सूरज से हमें हीट मिलती है लाइट मिलती है तो ये सब ऑब्जर्वेशन फिर इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली रूटीन में वी ऑब्ज़र्व मटीरियल्स दैट आर यूज टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटीरियल्स ऑब्जर्व करते हैं जिनसे डिफरेंट मटीरियल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं प्लास्टिक से जैसे टॉयज़ uh, बनते हैं स्टील से जैसे बेड uh, वग़ैरह बनते हैं ये सब हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं वी लर्न अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़ हम उसकी खसूसियात उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोचते हैं या उसको सीखते हैं वन वी ऑब्ज़र्व थिंग्स प्रेजेंट इन आर इनवायरमेंट वी लर्न अबाउट दैम हम एक चीज़ के बारे में अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे अराउंड मौजूद हैं तो हम उसके बारे में uh, सीख रहे होते हैं इट इज़ नेसेसरी टू मेक ऑब्जर्वेशंस इन ऑर्डर टू लर्न न्यू थिंग्स हमें नई चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर अ चाइल्ड वॉचिंग अ फिश इन अ टैंक वॉचिंग द फिश क्लोजली विल हेल्प द चाइल्ड टू लर्न अबाउट द फिश इट्स कलर एंड वे द वे it स्विम्स एंड ब्रीथ्स एट्सेट्रा अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि किस तरह हम लोग ऑब्जर्व uh, कर सकते हैं और न्यू चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं अब ये आप पिक्चर में देख सकते हैं एक बच्चा है ठीक है वो फ़िश को गौर से देख रहा है फ़िश टैंक में नाउ ही इज़ ऑब्जर्विंग समथिंग इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग ठीक है वो फिश को वॉच कर रहा है इससे उसको क्या होगा वो क्लोजली उसको इसलिए देख रहा है ताकि उसको पता चले कि ये ये क्या हो रहा है इस टैंक के अंदर क्या हो रहा है सो so, उसको क्या क्या पता चलेगा कि उसका कलर क्या है द वे इट्स स्विम्स किस तरह से वो स्विम करती है एंड ब्रीथ किस तरह से वो सांस लेती है तो so, ये सब चीज़ें क्या है ये सब चीज़ें ये बच्चा जो है ये चाइल्ड ये ऑब्जर्व कर रहा है और फिर सीख रहा है सो साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड इट स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन तो साइंस क्या है बेसिकली हमारे पास स्टडी पूरे हमारे आसपास जो पूरा इन्वायरमेंट है पूरी दुनिया है उसके बारे में स्टडी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्व करने से स्टार्ट होती है वन वी लुक एट अ प्लान जब हम एक पौधे को देखते हैं वी ऑब्जर्व इट्स पार्टस हम लोग इसके पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं इट्स कलर इसका कलर क्या है हाउ इट फील्स कि ये किस तरह ये सॉफ़्ट है ये, ये तो, कांटों वाला है किस तरह है हाउ इट ग्रोज ये ग्रो किस तरह होता है वट इट नीड्स एंड हाउ इट इट्स फ्लार स्मेल्स कि इसको ग्रो होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं और इसका जो फ्लार है जो इसका फूल है वो किस तरह से स्मेल करता है तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं वी यूज़ आर सेंसेस टू गेट द आंसर्स और इस आंसर तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं अपने सेंसेस यूज़ करते हैं जिस तरह हम देखते हैं तो हम अपनी आइज़ यूज़ कर रहे हैं स्मेल करते हैं तो हम उसके लिए अपनी नोज़ uh, यूज़ uh, करते हैं तो इस तरह फील करने के लिए हम टच करते हैं सो वंस वी गेट द आंसर वी रिकॉर्ड आर नॉलेज टू शेयर इट विद अदर्स जब हमें इन सब चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं तो ये आंसर्स हम रिकॉर्ड करके दूसरों तक ये नॉलेज शेयर करते हैं तो साइंटिस्ट आल्सो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड देयर नॉलेज दिस वे इसी तरह साइंटिस्ट भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं नॉलेज को रिकॉर्ड करते हैं और आगे फिर शेयर करते हैं दे ऑल्सो शेयर देयर नॉलेज विद अदर साइंटिस्ट ये दूसरे साइंटिस्ट के साथ दूसरे साइंसदानों के साथ भी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं अदर साइंटिस्ट स्टडी द रिकॉर्डेड नॉलेज वो फिर इनके रिकॉर्ड की हुई नॉलेज को स्टडी करते हैं और उसमें ऐड न्यू थिंग्स न्यू चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करते हैं दैट दैट दे हैव ऑब्जर्व जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की होती हैं अबाउट द सेम प्रोसेस और ऑब्जेक्ट और उसी प्रोसेस या उसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है वो वो उस नॉलेज में ऐड कर देते हैं दिस वे साइंटिस्ट हेल्प ईच अदर इस तरह साइंटिस्ट जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स नई चीज़ों की दरियाफ्त में इफ़ यू ऑब्जर्व थिंग्स इन दिस वे अगर आप इस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे एंड रिकॉर्ड दैम इन योर नोट बुक और अपनी नोटबुक में इन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड करेंगे दैन यू आर अ फ्यूचर साइंटिस्ट तो आप भी फ्यूचर के साइंटिस्ट बन सकते हैं सो दिस ज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग थिंगस ठीक है सो दिस वॉज योर टुडेज टॉपिक आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक इनशाला विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट क्लासेज टिल दैन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ